Snowfall, they were, I mean, how do you have to start with your name? I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told her. Missing someone. तो भाई हम आ चुके हैं ऋषिकेश की पहाड़ी, मतलब क्रॉस कर लिया है। और ये देखो ट्रक कैसे ऊपर की तरफ लेटा हुआ है टांगे ऊपर करके, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा देंगे ताकि कोई यहाँ पे घुसे ना। मतलब कि तेज स्पीड में लग रहा है, ऐसा हुआ है। और परवेश बाबा हमारे बहुत ही आगे जा चुके हैं, क्योंकि हमारे हाथों की लग चुकी है वाट बाइक चलाते हुए, क्योंकि स्लो बात है, सारा वजन अपने मेरे हैंड्स के ऊपर आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं भाई अभी, तो क्या ही बताऊँ। और यहाँ से है ना श्रीनगर जो हम जा रहे हैं, पहले श्रीनगर जाना है, तो 91 किलोमीटर अभी रह गए हैं यहाँ से। तो भाई ये देखो कितना प्यारा सा व्यू है, और हम लोग यहाँ पे बैठे इस व्यू का मजा ले रहे थे, चाय के साथ चाय पी चुके हैं, लेकिन और 10 15 20 मिनट या आधा घंटा ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे रुके। क्या बात करता है ना भाई, मैं जाऊंगा जाएगा, लेकिन एक काम कर देना, ये जो कैमरा है इससे ये जो व्यू है ये दिखा सकते हैं हम लोगों को, क्या बोलता, दिखाएं? चलो भाई। तो भाई हम आ चुके हैं देवप्रयाग में, और मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो देवप्रयाग में हम भागीरथी और अलकनंदा नदी ये हमारे इधर से आ रही है, और ये यहाँ से आगे गंगा बन रही है, देख रहे हो, मतलब क्या संगम है, मतलब दो नदियों से एक नदी बन रही है जिसका नाम है गंगा। को बता दे ठीक है। तो भाई अभी है ना हमें खाने के लिए रुकना है, और बाइक ने जो पेट्रोल अभी तक लिया है वो लिया है 7.2, जो लास्ट फिलिंग स्टेशन था 7.2 लीटर फ्यूल कंज्यूम कर लिया है, तो मतलब अब कोई भी फ्यूल स्टेशन आएगा तो उस पर भरवाना कंपलसरी है। प्लस में अभी तक बाइक जो है 334 किलोमीटर चल चुकी है, 334 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो भाई हम देख रहे हैं कहीं पे खाने के लिए रुके, क्योंकि भूख लगी है, टाइम है ना 1:30 बज चुका है, 1:30 हो गया। तो भाई यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकेंगे अभी हम, इतना गद्दमदार लग रहा है ये कुत्ता, मतलब बहुत ही ज्यादा जी करे नहीं बेचारे के ऊपर बैठ गया। और भाई खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया था भाई, खाना अच्छा, 10 में से 1 नंबर दूंगा, क्योंकि आइसक्रीम नहीं इनके पास। अब वही बात है, मतलब आइसक्रीम की वो लगा रखी है इन्होंने, यहाँ पे भी लगा रखी है लेकिन आइसक्रीम नहीं है। फिर हमने पूछा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मीठे में भी कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ चीनी के अलावा। तो कोई बात नहीं, अभी कोल्ड कॉफी मंगाई तो देखते हैं कैसा रहता है। और बाकी अभी तक बाइक ठीक चल रही है, बस है ना इतना सा खट आ गया टायर में, लेकिन वो अंदर तक नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है कि खट तो दिख रहा है मुझे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बस ये ट्रिप निकाल दे उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है टायर का, गर्मी में तो वैसे ही भरोसा नहीं है। तो भाई ये कॉफ़ी कम और दूध का गिलास ज़्यादा लग रहा है ना ये वो है बॉर्नविटा। तो कॉफ़ी कम दूध का गिलास ज़्यादा लग रहा है,
तो अभी हमने भाई को बोला कि भाई एक एक्स्ट्रा पाउच दे दो हमें, हमें उसके अंदर डालना है, तो भाई लेके आ रहे हैं। ये हो गया तो ये देखो भाई क्लाउडी मौसम हो चुका है और हमने खा लिया भाई यहाँ पे खाना। खाना तो अच्छा था नो डाउट, और तो जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है हमें कहीं वहीं तो जाना है, और अभी मेरे ख्याल से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 45 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से श्री केदारनाथ मार्ग लेफ्ट में है और उखंड चोपता चोपता ऊपर है। तुंगनाथ बिना है हाथ घुमा हुए होता है जा जा लेकर जा तू हटता है। वाओ क्या व्यू है यार, ओसम इंस्टा 360 चालू हो जा जल्दी से। थोड़ा इस कैमरे से भी कर लेते हैं व्लॉगिंग। सही में मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं जंगल में कहीं बीच में रोड बनी है, और भाई इतनी प्यारी रोड है, मतलब कि लाइफ में मैं पहली बार ये कहूँगा कि आई लव दिस रोड, आई लव दिस प्लेस। काफ़ी अच्छा बना रखा है भाई, मतलब कि भगवान ने ना, और ये जो रोड बनी हुई है मैं क्या ही बताऊँ। देखो मतलब क्या क्या व्यू क्या आ रहा है यार, सही में अपने शब्द बयां करें यहाँ के यहाँ के अपने सही में शब्द बयां करें। पुराने दिन याद आ गए जब हम पहला शुरू में राइड करे, मतलब लाइफ का मेरे को सबसे जितना मैं घूमा हूँ ना आज तक का सबसे प्यारा रोड लगा है एनवायरनमेंट के हिसाब से। सिर्फ हम है और रोड है बस। हाँ तो ये जंगल में और ये पूरा जंगल है भाई, और बाइक देख लो भाई कितना लीन हुआ है, मतलब पूरा पूरा लीन है बाइक यार पूरा पूरा। तो भाई मैंने ना आज अपनी बाइक को लेफ्ट साइड में 44 डिग्री एंगल में लीन कराया है, और राइट साइड में जो है मैंने 45 डिग्री लीन कराया, मतलब 45 डिग्री लीन। लीन मतलब कि ऐसे लेटा ना। सब लोग है ना बाइकर्स को इतना प्यार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की है ना मेरे जो यंग एज के बच्चे होते हैं सबकी मतलब इच्छा होती है कि भाई हम हमारे पास भी बाइक हो, हम भी ऐसे घूमें, और ख़ासकर ऐसी बाइकें जो सुपर बाइक्स हैं इंडिया में कम देखने को मिलती हैं लोगों को, वैसी बाइकें। और भाई इस बाइक की तो आवाज़ ही मतलब कि इतनी प्यारी है साउंड। लो भाई छोरो पहुंच गए हम चोपटा, और ये व्यू आप लोगों को चोपटा के टॉप से है। और भाई हमने मंगा ली एक चाय की प्याली, यहाँ पे सनसेट का मजा लेंगे। अभी ना घर है ना ठिकाना, मतलब कि कोई भी हमने डिसाइड नहीं करा कि कहाँ रुकेंगे रात को, लेकिन भाई मतलब ये व्यू देख के ना बस यहीं रुकने का मन कर रहा है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो और यहाँ से ही ऐसा व्यू आ रहा है। ये लेके आ गए भाई चाय,
हमने ले लिया रूम, और रूम देखो कुछ ऐसा है, मतलब मैं उठ के नहीं जा सकता। यहाँ से सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखाई देंगे। ये वॉशरूम है, ये अंदर घुसे, ये हम बाहर से टेबल उठा के लाए क्योंकि हमारा सामान इतना ज़्यादा था। अभी तो मेरे नीचे वकील रखा है, देखो नींद आ रही। चोपटा से हम मतलब ये लगा लो कि 1 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा आगे आए हैं, और यहाँ पर रूम काफ़ी अच्छे हैं। और भाई मैं इसका जो नाम है होटल का वो रिकमेंड करूँगा आपको इस वीडियो में, नहीं मतलब अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और हमें ये रूम पड़ा है भाई आराम से 2000 के आसपास, मतलब 2500 बोल रहा था, फिर घटा घटू के 2000 पे आ गए। थोड़ा और हम ज़्यादा वो करते तो पहुंच जाता, लेकिन हम इतने ज़्यादा थके हुए थे और सिर में इतना ज़्यादा दर्द था कि ऐसा था कि हेलमेट निकालो फटाफट रेस्ट कर ले। तो भाई आज की वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इतनी अच्छी अच्छी रील्स, इतने अच्छे अच्छे स्टोरी आपके लिए पा रहे हैं, है कि नहीं है भाई? ज्यादा घना हो रहा था रे, कोई आओ ना। हाँ। सोड़ बुदड़े के मतलब यहाँ पे अभी है ना, अभी देखो अप्रैल स्टार्ट है, मिड अप्रैल तो कह नहीं सकते, मतलब कि अप्रैल खत्म होने वाला है, अभी 8 दिन बचे हैं। तो भाई यहाँ पे अभी है ना, मतलब अच्छे वाली ठंड है, और ठंड ऐसी है कि भाई आप यहाँ पे मतलब कि रात को 6-7 डिग्री आराम से जाता है। और भाई मैं सही बताऊँ ना, अभी मतलब कि 2 कंबल ओढ़ के सोऊंगा मैं तो, इतना 2 या 3 हो जाएगा रात को, जो हमने ऑनलाइन चेक किया ना। हाँ, ऑनलाइन जो चेक किया उसमें माइनस जा सकता है। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब कि बाकी तो कल की वीडियो में जो हम ट्रैक करेंगे और शिव जी के दर्शन करेंगे हम, एक तो वो मेरी ख्वाहिश है, और उसके बाद फिर देखते हैं जो भी प्लान बनता है। अभी तो पहले चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं फिर आप लोगों को मिलते हैं। चलो तब तक के लिए भाई खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल होना हो। बाय, टेक केयर। यहाँ होने लगी है स्नोफॉल, स्नोफॉल देखो अभी, यहाँ अभी अभी स्टार्ट हुई है, देखो यहाँ गिर रही है, अभी आपको दिख रही होगी हल्की फुल्की आती हुई, स्नोफॉल हो रही है भाई यहाँ पे।